देखिए सीएम जी, जो कुछ हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसकी कंपनी में बनने वाले हाई स्टैंडर्ड लेकर में कहीं कोई मिलावट हुई है सर। हमारी पूरी एक्साइज डिपार्टमेंट यही पता लगाने की कोशिश कर रही है, पर आप देखिए इन पुलिस वालों ने अफरा तफरी में केस बुक करके हमारे ऊपर FIR कर दिया। तब से मैं इन्हें समझा रहा हूँ सर कि ये हमारा ही आदमी है, इसने पार्टी के लिए बहुत फंड दिया है, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन देखिए आखिर हुआ क्या, मैटर कोर्ट में चला गया। इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसने मरे हुए लोगों के परिवार को कंपनसेशन दिया। कोर्ट में जो मैटर गया है उसे गंभीरता से मत लें। इसके लिए प्रोसिक्यूटर वीरेंद्र को कितना भी समझाओ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। DGP से कहलवाया तब भी नहीं सुनता है। अब बताइए सर। जी हाँ सर, वो हमारी बात नहीं मानता। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आर्ग्यू करने वाले प्रोसिक्यूटर को आपके कहे मुताबिक चलना चाहिए। इसके लिए उन्हें कन्विंस न करके आप लोग यहाँ मुझसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। आपके डिपार्टमेंट का पावर कम हुआ है या उसकी रेंज बढ़ गई है? दोनों नहीं सर, उसकी घमंड बढ़ गई है। आपने सुन लिया ना सर, अब आप ही उसे स्ट्रिक्टली समझाइए। कहाँ है वो? सुनो वीरन, तुम ही हो क्या? हाँ सर। ये सब क्या है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ना तो तुम एक्साइज मिनिस्टर की सुनते हो और ना ही DGP की। आप CM की बात सुनोगे क्या? तुम बेकार में जिद क्यों कर रहे हो? तुम क्यों अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर हो क्या? हाँ सॉरी सर। क्या सॉरी, कांस्टेबल से लेकर CM तक सभी लोग अपना काम छोड़कर सुबह से वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप चलो। आ रहा है सर। इस बेगुना को गुनाहगार बनाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम किसी की बात सुनते क्यों नहीं हो? बहुत अकड़ है इसमें सर। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ जो सरकार है उस सरकार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, समझ गए ना? तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम किसी भी तरह से इनकी कंपनी को क्लीन चिट दिलवाओ, नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सरकार ये केस वापस ले लेगी। अब जाओ। ऐसा मैं नहीं कर सकता। एक बार मैंने जो केस हाथ में ले लिया मैं उसे वापस नहीं लेता। तो तुम ये केस वापस नहीं लोगे? नहीं लूंगा सर। एए! तेरी इतनी हिम्मत कि तू CM साहब को जवाब देगा? जैसा कहा गया वैसा करने तो कंपाउंड से बाहर नहीं जा पाएगा, हम तुझे यही मार कर गाड़ देंगे। गुड शॉट, जिसे मारना था उसे बिल्कुल सही मारा। डरो मत, ये मरा नहीं है, लेकिन सेक्शन 308 के तहत 4 साल की सजा जरूर होगी। अब जाओ। सर, आप शायद जानते नहीं हैं, इस मिलावट के संबंध में मेरे पास सारे सबूत हैं, फिर भी मैं आपसे शांति से बात कर रहा हूँ। नशा बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मिथाइल अल्कोहल जरूरत से ज्यादा मिलाया है। ये लोग इसे डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उसके हिस्से का टैक्स भी नहीं दे रहे। इसकी वजह से 50 लोगों की मौत हो गई, बल्कि मैं कहूंगा कि 50 परिवार बेसहारा हो गए। ये भी बता दूं कि यह धंधा आपके CM बनने के 2 महीने बाद शुरू हुआ था, और इस धंधे में इनका साथ दिया इस एक्साइज मिनिस्टर ने। तुम्हें क्या लगा पावर तुम्हारे पास है तो कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा? ऐसा खेल खेलूंगा कि मिट्टी में मिल जाओगे। लीकर में मिलावट करने के लिए एक्साइज एक्ट सेक्शन 50 और 50 लोगों की मौत के लिए IPC सेक्शन 302 के तहत तुम्हें 5 से 10 साल की जेल की सजा और 10,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। और इनसे मिलकर प्रोसिक्यूशन शुरू होने से पहले उसे रोकने की कोशिश करने के लिए IPC सेक्शन 34 अबेटमेंट एक्ट के तहत 6 महीने की और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत आपको 2 महीने की जेल होगी। अब भी आप इन लोगों का जुर्म में साथ देंगे या इनके साथ साथ आप भी सजा भुगतेंगे, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। और मेरे कंपाउंड से बाहर जाने से पहले आप अपना फैसला मुझे बता दीजिए। एक बार मैं केस हाथ में लेने के बाद ये नहीं देखता सामने CM है या PM, जिस तरफ न्याय है मैं उसी तरफ हूं। फैसला आपको करना है।
शंकरपल्ली रोड पर हुई दुर्घटना ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। रविवार रात को धर्मा राव नाम का एक किसान अपनी फसल बेचकर उससे की हुई कमाई के साथ घर लौट रहा था और एक अज्ञात गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। अपने पति के द्वारा लिए गए कर्ज को मैं कैसे चुकाऊं और दो बच्चों को कैसे पालूं, इस दुविधा में उलझी उसकी पत्नी ने अपने दो छोटे बच्चों को जहर पिलाने के बाद खुद पी। इस हादसे के बाद जहां माँ और बड़ी बेटी की मौत हो गई, वहां छोटी बेटी आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मृत शरीर को दो दिनों तक रखे होने के कारण कोमा में बेहोश उस छोटी बच्ची को कोर्ट की परमिशन से एक मिनट के लिए होश में लाकर अपने परिवार के सदस्यों को दिखा पाए, उसके लिए डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने माँ बाप के मृत शरीर को देखकर क्या वो बच्ची सदमा झेल पाएगी, इस सवाल से सभी टेंशन में हैं। परिवार वालों के डेड बॉडी को देखने से उस बच्ची की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा डॉक्टर? इसलिए बच्ची को कोमा से बाहर निकालने के दो मिनट के अंदर ही उसके शरीर को तुरंत हाइबरनेट करना होगा। इनफैक्ट इसमें रिस्क होने के बावजूद भी बच्ची को आखिरी बार अपने परिवार वालों की डेड बॉडीज को दिखा देने में मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा सर। ओके, बट बीडीएस की निगरानी में ही उसके पेरेंट्स को डेड बॉडी दिखाइए। इस बच्ची के साथ हुए अन्याय के बारे में मीडिया की खबर देखकर सरकार तक सहम गई है। इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और इसकी जान बचाई, पर आप एक बार भी हॉस्पिटल में नहीं आए। सरकार ने इसे स्टेट होम में शरण देने के बारे में सोचा है, पर इस लड़की ने कहा कि मैं सिर्फ अपने चाचा जी के साथ रहूंगी, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। इसे पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करने के लिए कितना खर्च होगा पता है आपको? हम खुद ही मुश्किल से जी रहे हैं, इसे कहाँ से पालेंगे? बेहतर यह है कि आप इसे यहाँ से ले जाइए और किसी हॉस्टल में रख करके इसे पालिए पोसिए। आप इस बच्ची को पाल नहीं सकते ये मानते हुए इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। चाचा जी, मेरी माँ ने भी आप ही की तरह मैं तुम्हें नहीं पाल सकती कहकर मुझे और मेरी दीदी को वो कड़वा दूध पिलाया था। दीदी ने वो पूरा पी लिया, पर कड़वा होने की वजह से मैं वो दूध नहीं पी पाई। अगर आपके पास भी वो कड़वा दूध है तो मुझे वो दे दीजिए, मैं वो पूरा पीकर अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। इतनी मासूम छोटी बच्ची अपने माँ बाप को खोकर तुम्हारे घर पर आई है, तुमने नहीं पाला तो अनाथ हो जाएगी वो। तुम नहीं पालोगे तो इसे कौन पालेगा? इस बच्ची को मैं अडॉप्ट करूंगा, जो भी प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटीज है, उन्हें मैं पूरी करूंगा। आप इस बच्ची के रिश्तेदार हैं? मानवता से जब काम हो सके तो रिश्तेदारी की क्या जरूरत है? आपकी संपत्ति पर जितना आपके बच्चों का हक है उतना ही इसका भी होगा।
मेरे बच्चे नहीं है सर, मेरा जो भी है इसका होगा। अंकल मुझे पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे हैं? हाँ है बेटी। कितने पैसे हैं? यही कोई 500 करोड़, अगर वो काफी नहीं है तो कहो, मैं और कमा कर ले आऊंगा। मेरे लिए उतना काफी है, मेरे भैया को पढ़ाने के लिए मेरे चाचा जी के पास पैसे नहीं है, आप उन्हें भी दे देंगे? जरूर दूंगा बेटी, ठीक है। जरूर सर, वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। बेटी मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा। मैं चाहे जितना भी बिजी रहूं तुमसे मिलने हर हफ्ते आऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, ठीक है ना? ठीक है, बाय। बाय, इट्स ओके सर। अभी हम सिद्धार्थ जी की अगली फिल्म के प्रोड्यूसर तेनाली रायडू जी के ऑफिस के सामने खड़े हैं। अजय की हत्या के बाद सिद्धार्थ जी के घर को सीज कर लिया गया है, तब से वो इसी घर में रह रहे हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट करने का मतलब सजा मिलना थोड़ी होता है। बचने के लिए मामूली केस नहीं है, ये मर्डर केस है। मर्डर केस दर्ज हुआ है पर हमारे डायरेक्टर ने मर्डर किया है ऐसा किसी ने कहा क्या? आप लोग कुछ भी कहानी बनाए जा रहे हैं। डायरेक्टर ने हमारे साथ 4 फिल्में बनाई हैं। वो कैसे इंसान है सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। वो किसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं पर किसी की ले नहीं सकते, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से आज उनका नाम इस पूरे देश में इतना ऊंचा हो पाया है। अच्छा कोई फेलियर्स नहीं थे ना उनके? तुम्हारे डायरेक्टर के केस में उसके खिलाफ लड़ने वाला वकील कैसा पता है? अगर उसने एक बार केस अपने हाथ में ले लिया ना तो उसका हारना मुश्किल है समझो। वो इतना बड़ा तोप है क्या? बताओ क्या? चल बता। देखिए सीएम जी, जो कुछ हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसकी कंपनी में बनने वाले हाई स्टैंडर्ड लेकर में कहीं कोई मिलावट हुई है सर। हमारी पूरी एक्साइज डिपार्टमेंट यही पता लगाने की कोशिश कर रही है, पर आप देखिए इन पुलिस वालों ने अफरा तफरी में केस बुक करके हमारे ऊपर FIR कर दिया। तब से मैं इन्हें समझा रहा हूँ सर कि ये हमारा ही आदमी है, इसने पार्टी के लिए बहुत फंड दिया है, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन देखिए आखिर हुआ क्या, मैटर कोर्ट में चला गया। इसकी कोई गलती नहीं थी फिर भी इसने मरे हुए लोगों के परिवार को कंपनसेशन दिया। कोर्ट में जो मैटर गया है उसे गंभीरता से मत लें। इसके लिए प्रोसिक्यूटर वीरेंद्र को कितना भी समझाओ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। DGP से कहलवाया तब भी नहीं सुनता है। अब बताइए सर। जी हाँ सर, वो हमारी बात नहीं मानता। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आर्ग्यू करने वाले प्रोसिक्यूटर को आपके कहे मुताबिक चलना चाहिए। इसके लिए उन्हें कन्विंस न करके आप लोग यहाँ मुझसे रिक्वेस्ट करने आए हैं? आपके डिपार्टमेंट का पावर कम हुआ है या उसकी रेंज बढ़ गई है? दोनों नहीं सर, उसकी घमंड बढ़ गई है। आपने सुन लिया ना सर, अब आप ही उसे स्ट्रिक्टली समझाइए। कहाँ है वो? सुनो वीरन, तुम ही हो क्या? हाँ सर। ये सब क्या है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ना तो तुम एक्साइज मिनिस्टर की सुनते हो और ना ही DGP की। आप CM की बात सुनोगे क्या? तुम बेकार में जिद क्यों कर रहे हो? तुम क्यों अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर हो क्या? सॉरी सर। क्या सॉरी, कांस्टेबल से लेकर CM तक सभी लोग अपना काम छोड़कर सुबह से वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप चलो। आ रहा है सर। क्या ये सर, इस बेगुनाह को गुनाहगार बनाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम किसी की बात सुनते क्यों नहीं हो? बहुत अकड़ है इसमें सर। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ जो सरकार है उस सरकार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, समझ गए ना? तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम किसी भी तरह से इनकी कंपनी को क्लीन चिट दिलवाओ, नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सरकार ये केस वापस ले लेगी। अब जाओ। ऐसा मैं नहीं कर सकता। एक बार मैंने जो केस हाथ में ले लिया मैं उसे वापस नहीं लेता। तो तुम ये केस वापस नहीं लोगे? नहीं लूंगा सर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू CM साहब को जवाब देगा? जैसा कहा गया वैसा करने तो कंपाउंड से बाहर नहीं जा पाएगा, हम तुझे यही मार कर गाड़ देंगे। गुड शॉट, जिसे मारना था उसे बिल्कुल सही मारा। डरो मत, ये मरा नहीं है, लेकिन सेक्शन 308 के तहत 4 साल की सजा जरूर होगी। अब जाओ। सर आप शायद जानते नहीं हैं, इस मिलावट के संबंध में मेरे पास सारे सबूत हैं, फिर भी मैं आपसे शांति से बात कर रहा हूं।
नशा बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मिथाइल अल्कोहल जरूरत से ज्यादा मिलाया है। ये लोग इसे डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उसके हिस्से का टैक्स भी नहीं दे रहे। इसकी वजह से 50 लोगों की मौत हो गई, बल्कि मैं कहूंगा कि 50 परिवार बेसहारा हो गए। ये भी बता दूं कि यह धंधा आपके सीएम बनने के 2 महीने बाद शुरू हुआ था और इस धंधे में इनका साथ दिया इस एक्साइज मिनिस्टर ने। तुम्हें क्या लगा पावर तुम्हारे पास है तो कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा? ऐसा खेल खेलूंगा कि मिट्टी में मिल जाओगे। लीकर में मिलावट करने के लिए एक्साइज एक्ट सेक्शन 50 और 50 लोगों की मौत के लिए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत तुम्हें 5 से 10 साल की जेल की सजा और 10,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। और इनसे मिलकर प्रोसिक्यूशन शुरू होने से पहले उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आईपीसी सेक्शन 34 अबेटमेंट एक्ट के तहत 6 महीने की और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत आपको 2 महीने की जेल होगी। अब भी आप इन लोगों का जुर्म में साथ देंगे या इनके साथ साथ आप भी सजा भुगतेंगे, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। और मेरे कंपाउंड से बाहर जाने से पहले आप अपना फैसला मुझे बता दीजिए। एक बार मैं केस हाथ में लेने के बाद ये नहीं देखता सामने सीएम है या पीएम। जिस तरफ न्याय है मैं उसी तरफ हूं। फैसला आपको करना है। अब समझ में आया मैं टेंशन में क्यों? सिद्धार्थ किधर है? ऊपर बाथरूम में है। पुलिस को अंदर जाकर 20 मिनट हो चुके हैं और वो अभी तक बाहर नहीं आए। अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। मीडिया और प्रेस रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ चारों ओर टेंशन का माहौल है। लगता है अब पुलिस बाहर आ गई। हेलो सर, क्या इस हत्या का कारण आपके और आपकी हीरोइन के बीच बढ़ता हुआ संबंध था? सर क्या आपने अपनी पत्नी को मारा है? सर क्या आपकी फिल्म नहीं बन पाएगी? सर सर क्या आप अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? सर 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 प्लीज सर प्लीज सर 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 कुछ बोलिए। आपके बॉस अभी तक नहीं आए क्या? वो आते ही होंगे सर। सर यही है पीपी वीरेंद्र। जब ये किसी के पास से गुजरते हैं तो लगता है शेर गुजर रहा है। आइए सर। आने में देर कर दी आपने। जज के आने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। कब आप केस पढ़ेंगे और कब लड़ेंगे? मुझे इसकी जरूरत नहीं। गुनहगारों को यह पढ़ना जरूरी है, मुझे नहीं। बैठ जाइए। शुरू कीजिए। गुनहगार को पेश किया जाए। वीरेंद्र प्रोसीड। योर ऑनर, सिद्धार्थ नाम के इस गुनहगार की पत्नी अंजलि की हत्या पिछले महीने की 21 तारीख को करीब 10 बजे हुई थी। उस दिन रात को 11 बजे गांव से अंजलि की मां पद्मा अपनी बेटी से मिलने आई थी। वो बहुत देर तक बेल मारती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो नहीं चाहती थी उनकी वजह से किसी को परेशानी हो, इसलिए उन्होंने अंजलि की दी हुई दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। अंजलि, 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 अंजलि का बेडरूम अंदर से लॉक्ड था। बेडरूम के दरवाजे से बहता हुआ खून देखकर पद्मा ने इस गुनहगार सिद्धांत को फोन किया। फोन स्विच ऑफ था, इसलिए डर कर उन्होंने पुलिस को फोन किया। डीसीपी नाइक अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे, बेडरूम का दरवाजा खुलवाया और वो अंदर गए। तो
देखा कि वहां अंजलि की लाश पड़ी थी। सर वो केस लड़ रहे हैं तो मुझे बादल गरजने की आवाज क्यों आ रही है? ये मेरे दिल के धड़कने की आवाज है। ये उस दिन की पुलिस की दरवाजा खोलने की वीडियो फुटेज है। इस केस के दो सबसे अहम सबूत मैं कोर्ट में पेश करना चाहता हूं। एक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरा फोरेंसिक रिपोर्ट। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस घर के कंपाउंड में सिर्फ चार लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। एक इस खूनी के, दूसरे इनकी पत्नी अंजलि के, तीसरी उसकी माँ के और चौथे उनके घर में काम करने वाली औरत के। सो अकॉर्डिंग टू द सीन ऑफ ऑफेंस वहां सिर्फ चार लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए और कोई पांचवा इंसान वहां नहीं था, यह साफ होता है। अगर कोई पांचवा इंसान वहां होता तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते और अंजलि पर हमला होने की वजह से घर का सामान बिखरा पड़ा होता। अकॉर्डिंग टू द फॉरेंसिक रिपोर्ट देयर इज नो फोर्स्ड एंट्री इनटू द हाउस एंड अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंजलि पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया था और ज्यादा खून बहने की वजह से रात के करीब 10 से 10:30 के बीच उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि उनके घर में काम करने वाली औरत उस दिन शाम को 5 बजे कंपाउंड से बाहर गई थी। उस वक्त अंजलि जिंदा थी, यानी उस औरत का इस खून से कोई संबंध नहीं। अब रही अंजलि की मां पद्मा, वो रात 11 बजे आई थी और ये भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। उनके आने से पहले ही अंजलि का खून हो चुका था। सो पद्मा जी का इस खून से कोई संबंध नहीं है। तो अब बचते हैं दो लोग, एक मरी हुई अंजलि और दूसरा ये कातिल। और ये सिद्धार्थ रात 10:10 पे अपनी गाड़ी में कॉलोनी से बाहर जाते हुए देखा गया है सीसीटीवी फुटेज में। तो इस केस में मिले सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, इसने अंजलि को क्यों मारा और उस हथियार का इसने क्या किया, ये जानने के लिए इस केस को मैं पुलिस को हैंडओवर करने की दरख्वास्त करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। अपनी पत्नी का खून आपने किया है, ऐसा आरोप पीपी ने लगाया है। पीपी ने जो कहा आपने सुन लिया? मैंने सुना सर, इन्होंने जो भी कुछ कहा मैंने सुना। हमारे घर में काम करने वाली औरत का इस खून से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत है। मैंने और अंजलि ने कभी भी उसे काम करने वाली औरत नहीं समझा। हम उसे अपना मानते थे और अंजलि जब 7 साल की थी तब उसने अपने पिताजी को खो दिया था सर, और उसकी परवरिश मेरी सास ने की। उन्होंने खुद का बिजनेस किया और अंजलि को काबिल बनाया। अंजलि को खोकर उसकी मां पर क्या गुजरती होगी मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें डिफेंड करने वाला कोई नहीं है? ये पीपी साहब है ना, पर वो तो इस केस में आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। जज साहब वो उसी तरफ से लड़ेंगे जिस तरफ न्याय होगा। मेरी तरफ न्याय है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी तरफ से जरूर लड़ेंगे। मिस्टर पीपी, मैंने 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रख रहा हूं, इनसे पूछताछ वहीं होगी, एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ यू। तुमने उसे क्यों मारा? सर मैं सच कह रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? नायक, सॉरी सर। सिद्धार्थ, द एंटायर एविडेंस इज अगेंस्ट यू। दुनिया जानती है यह खून तुमने ही किया है। अब बता दो तुमने हथियार कहां छुपाया है, एंड द केस विल बी क्लोज्ड। अंजलि के खून से वैसे ही मैं बहुत दुखी हूं सर, और अगर अब आप पूछेंगे कि हथियार कहां है तो मैं क्या जवाब दूंगा? इलिसिट रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत मर्डर्स होते हैं, हम ये जानते हैं। तो तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ? बस कीजिए। अगर अंजलि के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो सॉरी सर।
अंजलि मेरी जान है सर, उसके बारे में मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। ओके सर, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आपकी नजर में मैं एक खूनी हूं। मेरे खिलाफ मेरी सास ने कंप्लेंट लिखवाई है। हमेशा मेरे उठने के 2 घंटे के बाद ही उठा करती थी अंजलि, लेकिन उस दिन वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी इसलिए मुझसे पहले उठ गई, मुझे तैयार करके बाहर ले गई। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी और सुबह सुबह तैयार करके यहाँ ले आई। चलो बताओ क्या बात है। माँ दरअसल बात ये है कि हाँ मैं समझ गई, क्या नाम है उस लड़के का? सिद्धार्थ नाम है उसका। साथ में काम करता है? नहीं माँ, वो बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर है। फिल्म डायरेक्टर है? हाँ माँ, जैसे आपके साथ रहने पर मैं सिक्योर फील करती हूँ वैसे ही उसके साथ रहने पर भी मुझे सिक्योर फीलिंग होती है। अच्छा ये बताओ तुम उससे मिली कहाँ बेटी? ओके लेट्स स्टार्ट अपडेट करते हैं। लक्ष्मण रेडी? साउंड रेडी इन क्लैप। ओके सर स्टार्ट साउंड रनिंग रन थ्रू। कौन हो तुम? शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती हो, कॉमन सेंस नहीं है। वो लोग भी शूटिंग देखने आए हैं, उधर जाके खड़े हो जाओ। गेट आउट। सर सर ये हमारी मैडम है, आपसे ही मिलने आई हैं, एक कंपनी की मार्केटिंग हेड हैं। इट्स ओके सर, इट वाज माय फॉल्ट। एनीवेज कांग्रेचुलेशन सर, आपकी भेजी हुई महाभारत मूवी का प्रपोजल हमारी कंपनी को पसंद आ गया है। So much. Sorry. महाभारत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपकी बात सुनकर मैंने एक्साइटमेंट में प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके सर, आई अंडरस्टैंड। इस महीने की 14 तारीख को हमारे एशिया पैसिफिक हेड गोगो जी लॉस एंजलिस से आ रहे हैं। गोगो जी? यस, इंडिया में लैंड होते ही सबसे पहले वो अपनी माँ की अस्थियों को बहाने के लिए जाएंगे और हम लोग बाय रोड वहाँ तक जाएंगे, वहीं पर हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। ओह। अगर आप हमें 14 तारीख को एयरपोर्ट पर मिलेंगे तो हम जर्नी के दौरान प्रोजेक्ट डिटेल डिस्कस करके फाइनल कर देंगे। एक काम कीजिए, आप उन्हें पिक कर लीजिए। बाय द टाइम यू पीपल रीच रामोजी इट वुड बी अराउंड 11। आई विल जॉइन यू गाइस ओवर देयर। ओके सर, थैंक यू, बाय, सी यू। सी यू। रेडी? अंकल सर ऐसे पकड़ेंगे प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। वेर आर यू? अराइवल के पास हूँ सर। मैं भी अराइवल के पास ही हूँ, कैसे पहचानोगी मुझे? मैंने प्लग कार्ड पकड़ा हुआ है सर। प्लग कार्ड पकड़ोगी? तुम कोई टैक्सी ड्राइवर हो या टूर ऑपरेटर? मैं आपको आसानी से पहचान नहीं पाऊंगी इसलिए प्लग कार्ड पकड़ा है सर। आसानी से पहचानने के लिए काम करते हैं, मैं बैंड बाजा के साथ ढिंग चिका नाचते हुए आता हूँ, फिर तुम पहचान लोगी। नेट में देखो, तुम्हें मेरे फोटो के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सॉरी सर, ये तो मैं भूल ही गई थी। जो ब्रेन स्मार्ट नहीं होते और जो चिक्स हॉट नहीं होती मुझे पसंद नहीं। व्हाट अ सिल्की हेयर। ब्रेन स्मार्ट नहीं कोई बात नहीं, पर चिक्स हॉट हो तो काम चल जाएगा। वेलकम टू इंडिया सर। थैंक यू वेरी मच। वाओ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, एक्सक्यूज मी सर। तुम क्यों रो रहे हो?
ये खुशी के आंसू है सर। हाँ। चार साल पहले मेरी बेटी मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई थी। आप भी इसी तरह से गए होंगे ना। इतने सालों बाद इंडिया वापस आकर आपने अपनी बेटी को देखते ही खुशी में आकर उसे अपने गले से लगा लिया सर। ये देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई सर। बेटी, ऐसा पिता मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तुम एक काम करो, जरा इसे पकड़ो और अपनी नॉस्टैल्जिया को एंजॉय करो। निकलो यहाँ से। मैं पीछे बैठ के बोर हो रहा हूँ, कुछ हंसी मजाक हो जाए। चंदूल टकले सर पर घुंघराले बाल उगाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यंग बाबा की शान जो लेती है हर खूबसूरत लड़की की जान। समझ गए मेहरबान। क्यों बे, बात बोल रहा है तू? सर आप ही तो कह रहे थे कुछ हंसी मजाक हो जाए। अबे तू मेरा साला है क्या जो मुझसे मजाक कर रहा है? मुझे तो इसकी उम्मीद अंजलि से थी। क्या सर? मैं डायरेक्टर कहाँ है? एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। दिखने में कैसा है वो? कहने को डायरेक्टर है, दिखने में हीरो लगता है सर। मुझसे ज्यादा स्मार्ट है? दिखने में मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है सर। आपके साथ बैठेंगे तो आप दोनों दिखने में बाप बेटा लगेंगे सर। बंद कर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो, मेरा लगेज उस कार में रखो और कार वापस ले जाओ। ओके सर। नो नो, इट्स फाइन। ओके। नया ड्राइवर है क्या? बहुत स्टाइलिश लगता है। तुम्हारा बॉस किधर है? यही है सर, मेरे बॉस। सॉरी सर, सिद्धार्थ। बुरा लगा क्या? ड्राइविंग आती है? या। जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता क्या? What do you mean? जब आप इस उम्र में ये कर सकते हैं तो मैं। तुम्हारी उम्र क्या है? Just 28 सर। Mine is 32। बाकी का बैलेंस किसके अकाउंट में डाल दूं बे? ए, क्या बोल रहा है? सर, चलें। Okay, proceed. One lady, 5 husbands, 100 villains, 1 cunning fellow. This is story. Yes sir. We'll do one betterment, bro. Okay sir. One lady, 100 husbands, 5 villains, 1 cunning fellow as it is. How is my betterment, Anjali? एक भी चेंज नहीं होगा सर। यही है, यही दिक्कत है तुम लोगों की। कब बदलोगे तुम लोग? दरअसल सर, महाभारत को इंडियंस बहुत पवित्र मानते हैं। अब ऐसा किया तो सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे ना सर? वाह, देखा तुमने, अंजलि ने कितनी क्लैरिटी से समझाया। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है। ओके ओके, नो चेंज, स्टोरी एज इट इज। लेट अस डिस्कस अबाउट कास्टिंग। ओके सर, धर्मराज के लिए नागार्जुन, भीम के लिए प्रभास और अर्जुन के लिए जूनियर एनटीआर, नकुल के लिए नानी, सहदेव के लिए शर्वानंद, द्रौपदी के लिए दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण? अच्छा किया जो तुमने अपनी कास्टिंग पहले बता दी। पादुकोण, तुम न्यूकमर्स को मेरे प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो? सर सर, ये सब यहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं सर। ओ, ऐसे आर्टिस्ट लोगे तो रुपए मिलेंगे, डॉलर्स नहीं। डॉलर्स के लिए कास्टिंग कैसी होनी चाहिए मैं बताता हूँ। धर्मराज के लिए डेंजल वॉशिंगटन, भीम के लिए ब्रूस विलिस, अर्जुन के लिए एंटोनियो बैंडेरास, नकुल के लिए निकोलस केज, द्रौपदी के लिए डेमी मूर। दिस इज द फाइनल कास्टिंग, दिस इज द डॉलर पुलिंग कास्टिंग। क्या हुआ, सडन ब्रेक मारा तुमने? हेडेक हो रहा है सर। उसके लिए कॉफी पियो, ऐसे ब्रेक मारने से कुछ नहीं होगा। उसी के लिए कार रोकी है। अंजलि जी सर, इफ यू डोंट माइंड कैन यू गेट मी अ कॉफी? श्योर सर। स्टॉप स्टॉप, इसके बॉस की तरह इफ यू डोंट माइंड विल यू प्लीज गेट मी अ कॉफी कहते ही तुम दुम हिलाते भाग जाओगी। ऐसा नहीं है सर, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये सेलिब्रिटी है ना। है तो क्या हुआ, जिसका काम है वो करे।
अरे सर, लगता है आपकी बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया है सर। तो आने दो ना, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता। तुम उसकी तरफदारी मत करो। कीप क्वाइट एंड सिट टाइट। ओके सर। अंजलि, ये सर इसके इतने फैंस हैं क्या? लगता है वो लोग इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम उसे जाकर ले आओ। जाओ। Excuse me, रास्ता दीजिए प्लीज। Excuse me, please, जाने दीजिए। Please, जाने दीजिए। Thank you. उनकी बातों से आप बहुत हर्ट हो गए ना सर, पर वो जो कहते हैं उसका बुरा मत मानिए सर। मेरी बात छोड़ो, उन्होंने आपसे बहुत बुरी तरह से बिहेव किया, आपको डांटा भी। उनके साथ काम कैसे करती हो? सर, इसकी वजह से अगर मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूंगी तो दूसरी जगह ऐसे लोग नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? हमारे इलाके में पप्पू भाई चश्मा नाम का एक गुंडा था, मुझे धमकी देता था कि अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगी तो मुझे मार डालेगा। मेरे पिताजी नहीं है सर, सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते हैं, और हम दोनों कर ही क्या सकते थे। उस वक्त घबरा कर मैंने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी सर, और उस जगह को छोड़कर आ गए। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को ये सब झेलना ही पड़ता है सर। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। सर, शैल वी लीव? किस लिए? यहाँ खटिया बिछा सकते हैं क्या? पता कर लो। रात को टांग पसार कर सोएंगे और सुबह निकलेंगे। आओ आकर ड्राइव करो। तुम किधर चले? तुम पीछे बैठो, तुम इधर आओ। आप आगे बैठे ना, सीट बेल्ट बांध लीजिए। इतनी बकवास इंडियन रोड्स और तुम्हारी बैलगाड़ी के लिए सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है, पैंट का बेल्ट ही काफी है। तो ठीक है, कास्टिंग के बारे में डिस्कस करें? नॉट नाउ, मेरा मूड नहीं है। मैं इस वक्त किसी और मूड में हूँ। अंजलि। यस सर। टाइटैनिक फिल्म करने से पहले केट हमारे ऑफिस में आया करती थी, बहुत इनोसेंट थी वो। यस, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अंजलि, व्हाट्स योर सैलरी? 40,000 सर। शे, ओनली 40,000? डू वन थिंग अंजलि, तुम हमारे हेड ऑफिस को ज्वाइन कर लो। 5 लाख, 5 लाख दिलवा सकता हूँ। यू नो वन सरप्राइजिंग थिंग, मेरा वहां एक विला भी है। विला में हम दोनों खुशी से रह सकते हैं, हैप्पी हैप्पी। मेरे जैसे तुम भी हेड बन सकती हो। मेरा हाथ क्यों नहीं लग रहा? अरे बाप रे! सर, सर, हाँ, लगता है मर गए। ये मरने वालों में से नहीं, मारने वालों में से है। मैंने अचानक ब्रेक पर पैर रख दिया। उसने भी गलत तरीके से आपके पैर पर हाथ रखा। हाँ, अगर इन्हें कुछ हो गया, हमें कुछ करना चाहिए, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए प्लीज। इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए इसे हॉस्पिटल नहीं बल्कि बीच सड़क पर रख देना चाहिए। बीच सड़क पर? डोंट वरी, वो मैं देख लूंगा। तुम पहले इसके पॉकेट से इसका फोन और इसका वॉलेट निकालो। तो चले चलो। किसी ने इसे मारकर हमारी गाड़ी में पीछे रख दिया था, किसी ने देख लिया तो फंस जाएंगे हम। चलिए चलो 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 चलो। देवसेना, तुम किधर हो? देवसेना, 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 जय महिष्मति। उतार लो, उतार लो, उतार लो, समय नहीं है बेटा, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो चलो।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ? बाय द वे आई एम गोगो फ्रॉम शिकागो। आई एम फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम टू गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स। गोदावरी? सिर्फ गोदावरी नहीं बाबा, टू गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी। आई वर्क विथ हॉलीवुड डायरेक्टर्स एंड आई वर्क विथ स्पीलबर्ग, स्टीव जॉब्स। ओए यहाँ जॉब नहीं है। I don't want job, man. Kindly give your cell phone. Cell phone? I want to talk Anjali. Anjali? Anjali, Anjali. Yeah, yeah, yeah. Dona, please. Baat karni hai. Arey, tu idhar aana. Anjali means Anjali is my friend. My friend. I want to talk her. I don't have phone. I lost my dress. My phone. And everything. I want mobile phone. Mobile phone to talk to Anjali. Anjali. Ye baat isse samjhao na. Ye pagal kya keh raha hai? कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है ये भी नहीं समझ पा रहा। ए ओए छोटू, ए एजुकेटेड पागल आया है, दो रोटियां लाकर दे दे। चल रे भाई चल। हैं? अरे तू जाना, तू खड़ा क्यों है, जाना। ब्रदर मेरा सेलफोन गया तो गया, पर तुमने तो मुझे पूरा भिखारी बना दिया। जाओ भाई जाओ यहाँ से, काम है। ओए छोटू पानी दे। इनके कपड़े कहाँ गए? उधर देखो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहीं गाड़ी रोकी थी क्या? कहीं नहीं रोकी सर। तो तुमने इस गाड़ी को हाईवे पे कहीं नहीं रोका था? कैसा हाईवे सर? अरे वही अजीब सी जगह जहाँ दो सरदार थे। क्या सर आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं, कोई बुरा सपना देखा आपने? सपना? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बता दो, तुमने सच में गाड़ी नहीं रोकी थी क्या? नहीं नहीं कहीं नहीं रोकी थी सर। कार में बैठकर स्क्रिप्ट और कास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन द्रौपदी के लिए प्रॉब्लम है सर। कौन सी प्रॉब्लम? मैंने डेमी मूर सजेस्ट की थी, लेकिन आप दीपिका पादुकोण पर अड़े हुए थे। तुम डेमी मूर कह रहे थे और मैं दीपिका की जिद कर रहा था। आपने जब फैसला कर लिया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ सर। सही कहा। अंजलि ये जो कह रहा है वो सच है क्या? जी चाचा जी। चाचा जी। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणदा। ये भैया आप इसे अपने अंगूठे से छूकर इसे पानी में डाल दीजिए। बेटा? माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए बेटा या बेटी है? मेरा कोई नहीं है। अरे कैसे कोई नहीं है, बेटी जैसी अंजलि और मेरे जैसा शुभचिंतक जो है। शुभचिंतक और बेटी? इतना पैसा कमाकर कोई फायदा नहीं जब आपको श्रद्धांजलि देने के लिए आपका कोई रिश्तेदार न हो। ऐसी स्थिति में आपका पैसा किसी काम का नहीं होता। देखिए इंसान का रिश्तेदार होना और रिश्ता निभाना बहुत जरूरी होता है। आपका बर्ताव अच्छा होगा तभी आपके रिश्तेदार होंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। हाँ? आ जाओ चलो। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही कर दो। सुनिए आप आज रात को शिवालय में विश्राम कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, मैं शिवालय में विश्राम करूंगा और आप दोनों प्रेमालय में मजे करेंगे। ठीक है ना? ठीक है मैं चलता हूं। इसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। हमने उसे जो झटका दिया वो उससे खुद को चाचा जी समझने लगा है। तो मैं परेशान नहीं करेगा। Thank you.
कहा नहीं कि तुम उससे प्यार करती हो। मैंने आज तक आपको बताए बिना कोई काम किया है क्या माँ? वो सब तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ और हम कहाँ, ये कैसे मुमकिन होगा बेटी? मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन उसने खुद मुझे फोन करके यहाँ आने के लिए कहा है। सिद्धार्थ वही है ना? हाँ माँ, लेकिन आपके यहाँ रहने से शायद वो मुझे प्रपोज नहीं कर पाएगा। मैं समझ गई, गुड लक। हाय अंजलि। हाय। अपने नए चाचा जी का क्या हाल है? हर मैसेज से पहले ही जय हिंद और मैसेज के बाद जय हिंद लिखते हैं। लगता है वो कट्टर देशभक्त बन गए। ये सब कुछ आपकी ही वजह से हो रहा है। आप कुछ कहना चाहते थे ना? अच्छा नहीं कुछ नहीं। आप तो हाँ, और बताओ? आप बताइए ना। बात यह है कि मेरी चेन तुम्हारे पास है और वो मेरे लिए बहुत खास है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं वापस देना ही भूल गई। आपने मुझे इसीलिए बुलाया था। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओके, लेट्स बी इन टच, बाय। वो बिना कुछ कहे ही वापस जा रहा है और तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर उसे सब कुछ बता क्यों नहीं देती? उसे जाते हुए देखकर मुझे इतना दुख हो रहा है। अगर मैं उसे प्रपोज कर दिया वो ना कहता तो मुझे कितना दुख होता माँ। मुझे तो लगा था कि उसने मुझे यहाँ पर प्रपोज करने के लिए बुलाया है। इट्स माय बैड लक। चलो माँ, चलते हैं। आई लव यू अंजलि। मैंने कई लव स्टोरीज डायरेक्ट की हैं, लेकिन जब खुद के सामने प्यार की बात आई तो मैं कुछ नहीं कह पाया। अब तुम्हारे दिल की बात जानने के बाद मैं तुमसे सही कह रहा हूं, मैं यहां अपनी चेन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया था। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी से मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन शादी होकर 3 महीने ही हुए थे और मेरी बेटी इतनी बुरी तरह से। प्लीज कूल डाउन मैम, तैयार रहिएगा, केस के वक्त आपको कोर्ट में आना होगा। नायक, लेट्स गो। मिस्टर वीरेंद्र, आपके लिए रीइन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्स पास कर रहा हूं। अगली हियरिंग से पहले आपको वारंट एग्जीक्यूट कर देना होगा। श्योर योर ऑनर। ओके। थैंक यू योर ऑनर। इस घर की इंच बाय इंच रिपोर्ट चाहिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट। उसमें कोई कमी है। क्या कमी है आप पता लगाएंगे। आई वॉन्ट अ परफेक्ट जॉब। ओके, फॉलो मी।
आराम से। अरे किसे चुभाने वाला है ये? आप ही को चुभाएगा। आपको पायल से रिक्वेस्ट कीजिए। क्यों डरा रहा है यार? यस प्रोसीड योर ऑनर। एज पर द कोर्ट ऑर्डर इस केस में संदिग्ध सिद्धार्थ को जुडिशियल कस्टडी में एग्जामिन किया गया था। उसके बाद मैं खुद सीन के लोकेशन पर गया था। वहां सिद्धार्थ के बारे में कुछ बातें पता चली है। कोर्ट के सामने सच पेश करने के लिए मैं कुछ लोगों को एग्जामिन करना चाहता हूं। Yes, you can. Thank you, Your Honor. DCP Naik. इस बार पुलिस पर निशाना है सर। पता लगा नहीं कि उसे फाइल सही है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह की थी ना? यस सर। अगर अच्छी तरह की होती तो अंजलि के बेडरूम की विंडो को खोलकर फिर से फिट किया गया था ये फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया होता। सर मुझे जितने भी क्लूज मिले थे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मैंने दिख दिया है। आपका ये कहना है कि आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी ने ये काम किया हो? इम्पॉसिबल सर। घर को सील किया गया है वो भी मेरी देखरेख में। मेरी नॉलेज के बिना वहां पर कोई एंटर नहीं कर सकता। तो फिर आपकी दी हुई रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों गलत है। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। सर मेरे इतने साल के तजुर्बे में एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, क्लूज टीम लीड करने वाले डीसीपी से पूछ रहा हूँ। सर, सर, सर जो पब्लिक की तरफ से केस लड़ रहे हैं अगर वो अक्यूज की तरफ से केस लड़े तो ये गलत है। सर, सर, दिस इज अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स। मिस्टर वीरेंद्र के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के पैनल ने इन्हें अक्यूज की तरफ से बहस करने की इजाजत दी है। थैंक यू योर ऑनर। अब बताइए ये मिस्टेक कैसे हो गई, बताइए। मिस्टेक आप नहीं बता सकते, मैं कोर्ट में ये एविडेंस बाद में सबमिट करता हूँ। शादी के बाद आपकी बेटी और आपके दामाद के बीच कोई अनबन थी क्या? नहीं, वो हमेशा बहुत खुश रहती थी। अगर ऐसा था तो अपने दामाद के खिलाफ कंप्लेन क्यों लिखवाई? आपको उस पर शक है क्या? नहीं सर, मैं अगर कंप्लेन करती हूँ तो असली खूनी का पता चल जाएगा, ऐसा डीसीपी ने कहा था। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। मेरी बेटी को मारने की वजह किसी के पास भी नहीं थी सर। किसी के पास नहीं, जरा ठीक से याद कीजिए। नहीं सर। ये कौन है जरा देखिए, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? इसका इसका नाम मुन्ना है। शादी से पहले ये मेरी बेटी के पीछे पड़ा था। वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। इतना ही नहीं, उसे अक्सर धमकी भी देता था। हम डर गए थे और हमने पुलिस में कंप्लेन भी लिखवाई थी और कोर्ट ने इसे 3 महीने की सजा भी सुनाई थी, पर उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। यही है ना आपकी बेटी की दी हुई कंप्लेन? हाँ। आपने ये बात डीसीपी को बताई थी? नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? ये बात बहुत पुरानी है इसलिए मैंने। पुरानी बात थी ये आपको लगा? आप जा सकती हैं सर। हाँ। अभी किसकी बैंड बजाने वाला है सर? हमारी छोड़कर किसी की भी बजाय चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा नाम हरि नारायण है, मैं सिद्धार्थ का पड़ोसी हूँ। ये सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी है उसे पहचानते हो? ये कारपेंटर है सर। खून होने से 4 दिन पहले ये हमारे घर आया था सर। उस समय अंजलि भी हमारे घर आई थी। तब उसने उसे देख करके पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। तब मैंने मुन्ना को कहा कि वो अपना काम करे। काम करने के बाद उसने पैसे मांगे। मैंने कहा 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे, आ जाना। उसी दिन शाम को 5 बजे हम लोग एक फंक्शन में चले गए थे सर। थैंक यू, यू कैन गो। थैंक यू सर, नमस्ते। मिस्टर वीरेंद्र, मुन्ना कारपेंटर का इस केस से क्या संबंध है? है योर ऑनर, हरि नारायण के घर आया हुआ कारपेंटर वही मुन्ना है जिसने अंजलि को जान से मारने की धमकी दी थी।
अंजलि का खून रात को लगभग 10:30 बजे हुआ। सिद्धार्थ 10:10 को बाहर चला गया। उस दिन सुबह 10 बजे मुन्ना हरिनारायण के घर आया था। वहां अंजलि ने मुन्ना को देखा। अंजलि की वजह से जेल जाने वाली बात उसके मन में फिर से ताजा हो गई, इसलिए मुन्ना 5 बजे कॉलोनी से जाने के बाद 7 बजे फिर आया। सिद्धार्थ के जाने के बाद वो वहां आया। उसके बाद उसने अंजलि की बेडरूम की खिड़की खोली और वो अंदर घुसा। उसने सोई हुई अंजलि को देखा। अंजलि ने उसे जेल भिजवाया था और उसने उसका प्यार भी ठुकराया था, इसलिए उसने अंजलि परनू के लिए हथियार से वार किया और उसे मार डाला। उसने अपनी फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं छोड़ी। फिर उसने खिड़की को ठीक किया और दीवार फांदकर वहां से चला गया। इसलिए योर ऑनर, सीसीटीवी फुटेज में मुन्ना की एंट्री है लेकिन एग्जिट नहीं है। योर ऑनर, मैं कोर्ट में मुन्ना से संबंधित सारे एविडेंसेस सबमिट कर रहा हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। सो योर ऑनर, इसे प्लान्ड मर्डर कहने के लिए इसमें मोटिवेशन है, प्रिपरेशन है और जान लेने का इंटेंशन भी है। इसलिए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मुन्ना नाम की व्यक्ति पर चार्जेस फ्रेम करके इस केस से सिद्धार्थ को डिस्चार्ज किए जाने की मैं रिक्वेस्ट करता हूं। यह है डिस्चार्ज पिटिशन फाइल। ए, कौन हो तुम? वो हमारे प्रोड्यूसर है सर। इसे फिल्म समझ रखा है क्या? कोर्ट में सीटी मारने के जुर्म में तुम पर 5,000 का जुर्माना लगा रहा हूँ। इन्हें शाम 5 बजे तक धूप में खड़े रखो। धूप में? पिटिशन अलाउड। मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ की पत्नी अंजलि मर्डर केस ने आज ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। जैसा जनता सोच रही थी कि सेलिब्रिटी सिद्धार्थ ने ये मर्डर नहीं किया होगा, अभी तक ऐसा ही लग रहा है। वीरेंद्र ने अपने दिमाग और तजुर्बे का इस्तेमाल करके सिद्धार्थ को इस केस में निर्दोष साबित कर दिया। इस वजह से सिद्धार्थ की इज्जत जनता में और भी बढ़ गई है। और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पुलिस मुन्ना नाम के खूनी को पूरे शहर में ढूंढ रही है। उनके मुताबिक वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। पुलिस खूनी को किसी भी वक्त अरेस्ट कर सकती है। खूनी को पकड़ने से ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या तुम्हें खूनी बनने के लिए बेगुनाह साबित किया था? इसे तब छोड़ दूंगा सर जब ये मेरी अंजलि को वापस देगा। सिद्धार्थ, कोर्ट में तुम्हारी आंखें देखकर मैं समझ गया था कि तुम ऐसी कोई हरकत जरूर करोगे, इसीलिए तुम्हें फॉलो किया। इसे कोर्ट में पेश करने के बाद ही तुम बेगुनाह साबित होगे। तुम पर विश्वास करने वालों का क्या होगा तुमने नहीं सोचा? नायक, टेक हिम टू द हॉस्पिटल। हे, टेक हिम। सर, तुम्हें कोर्ट में खड़े होने की तमीज नहीं है क्या? अंजलि नाम की लड़की का खून तुमने किया? ये साहब मेरे खिलाफ सबूत तो दे ही चुके हैं, फिर आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगा कि मैंने बहुत सफाई से खून किया था, सोचा नहीं था कि कभी पकड़ा जाऊंगा, लेकिन ये मुझसे ज्यादा चलाक निकले। हेलो वीरेंद्र, सिर्फ 3 महीने जेल की सजा के लिए मैंने उसे टपका डाला,
तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वापस आऊंगा, तेरे लिए जरूर आऊंगा। एक लॉयर को धमकी देकर तुम एक और जुर्म कर रहे हो। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। हाँ सर, मैंने ही उसे मारा। क्यों मारा उसे? तीन साल प्यार किया उसे, वो सिर्फ मेरी यही समझकर उसके पीछे पागल बना घूमता रहा। मैंने आई लव यू भी बोला उसे, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। उसे उसी टाइम पर मारना चाहता था, पर वो मिले नहीं। फिर एक दिन जब मैं काम के लिए किसी के घर गया, तब मुझे वो उधर मिली। मैं उसके पति का बाहर जाने का इंतजार कर रहा था। उसके निकलते ही उसकी खिड़की को धीरे से निकाला और अंदर चला गया। वो अंदर सो रही थी। बस उसे देखते ही मुझे जेल की याद आ गई और उसे मारकर मैंने अपना बदला ले लिया। तुमने जो हथियार इस्तेमाल किया वो कहाँ है? मैंने उसे भट्टी में फेंक दिया, उसे पिघला दिया। पुलिस को लगा कि उसका खून उसके पति ने किया और उसे पकड़ लिया। बेवकूफ कहीं के। तुम्हें नहीं लगता तुमने जो किया वो गलत था? इसमें गलत क्या है? हम लड़कियों को देखते हैं, अच्छी लगी तो पीछे पड़ते हैं, उन्हें आई लव यू बोलते हैं, मना किया तो धमकी देते हैं, और पुलिस केस किया तो मार डालते हैं। मुन्ना नाम के इस खूनी में दया नाम की कोई चीज नहीं है, और इसे अपने किए पर पछतावा भी नहीं है। ऐसे अपराधी समाज के लिए हमेशा खतरा है, ये जानवरों से भी बदतर हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस आदमी को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। कुछ भी कहो, फॉरेन फॉरेन ही होता है और लोकल रद्दी। लोकल माल तुरंत चढ़ के उतर जाती है और फॉरेन का माल धीरे धीरे चढ़ के हमें घंटों में कहां से कहां पहुंचा देती है। जय हो फॉरेन, आजा आजा। है ऑमलेट लेकर आ रही हो या खुद ही खा गई? मैं ला रही हूं। ला ला ला। जल्दी ला। बन गया क्या? हाँ, तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। हाँ सुन, मिर्ची थोड़ी ज्यादा डालना। अरे आना, कितनी देर लगा रही है? अच्छी तरह बना रही हूँ, टाइम तो लगेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड। इसमें क्या रखा है तुमने? इसमें गंदे कपड़े हैं ना, पानी आने का वक्त हो गया है, धोने के लिए ले जा रही हूँ। फिर से पुराने कपड़े, पुरानी जगह। बंजारा हिल्स में बड़ा घर खरीद कर, बड़े बड़े मॉल से अच्छे कपड़े खरीद कर रोज नए कपड़े पहनेंगे। देख लेना, तुम्हारे लिए पंजाबी ड्रेस और मेरे लिए झक्कास कपड़े। जा पुराने कपड़े जला दे, जला दे, जला दे। अरे अरे, क्या मस्त फिगर है यार, हमारे डायरेक्टर की पसंद बहुत अच्छी। जिसे हीरोइन बनाना चाहिए उसे काम वाली बना दिया। ये भी हीरोइन बनने आई थी, तुम्हारे जैसे किसी ने उसे चीट किया तो वो काम वाली बन गई। अपना मुंह संभालो, अपने डायरेक्टर से सगी बहन मानते हैं। पहले ऐसे म्यूजिक के सेटिंग में सर बहुत ध्यान देते थे, अब उन्हें ऐसा देखकर बहुत दुख हो रहा है। उनका ऐसा मूड होगा तो ट्यून कैसे बनेगी सर? तुम्हें किसने ट्यून बनाने को कहा?
अरे हमारे डायरेक्टर के मूड को अच्छा करने के लिए ही मैंने ये म्यूजिक सिटिंग अरेंज की है। अब मामला सिर्फ म्यूजिक से नहीं बनने वाला, मैजिक से बनेगा। सर हाँ? मैजिक क्रिएट करने के लिए कुछ खास हाँ? चखना होना चाहिए, तभी तो मैजिक मैजिक होगा सर। ड्रिंक हाँ? चाहिए। प्लेजेंट सरप्राइज सर, आप और इस समय। ये क्या है? मेरा केस जीतने के लिए एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड सर। उसके लिए इतनी कॉस्टली गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, आकर थैंक्स कह देते तो काफी था। सर एटलीस्ट सर ड्रिंक टुगेदर। Cheers. Thank you. Excuse me, sir. Sure. ऐसे क्या देख रहे हो? उस दिन तुमने कुछ और कहा था और हो क्या रहा है? ये लो, तुम्हारे दिए पैसे रखो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे साथ पुलिस में चलो, तुम्हारे सारे गुनाह कबूल कर लो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, अभी चाहिए। चलो मेरे साथ। क्या देख रहे हो वहाँ पर? चलो मेरे साथ। इतना चिल्ला क्यों रहे? चलिए। हाँ तो चलो ना। यहाँ आने से पहले मुझे डर लग रहा था कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मुझसे गलती हो। तुमने जो पैसे दिए थे ना, उसमें से 10,000 रुपए वो बेवड़ा शराब में उड़ा गया। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं 4 घर के काम ज्यादा करूंगी लेकिन तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ सिक्योरिटी, उन्हें क्यों बुला रहे हो? तुम्हें घसीट कर बाहर ले जाने के लिए बुलाया। इसे अंदर किसने आने दिया? इसकी ऐसी खातिरदारी करो कि कभी आसपास नजर ना आए। भरोसा किया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो? छोड़ो मुझे, न जाने जैसे कितने लोगों को तूने धोखा दिया होगा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, ऊपर वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगी, तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। सीधी तरह से चलिए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं सर, मेरी वाइफ कॉफी बहुत अच्छा बनाती है। प्लीज प्लीज हैव इट सर। कॉफी कैसी है सर? बहुत घटिया है। जो हरकत तुमने की है। मैंने क्या किया सर? मुन्ना के माँ बाप से मिलने गए थे। कब से मुझे शराब कौन देगा? तेरा बाप बहुत कौन? उस डायरेक्टर ने पैसे वापस भेज दिए क्या? आपको सिद्धार्थ ने इतने पैसे क्यों दिए? आखिर बात क्या है? उस हॉस्पिटल में तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है मुन्ना। हम कुछ ऐसा करेंगे कि सारे के सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ ही लगेंगे मुन्ना। ये पैसे तुम रख लो, तुम्हें कोर्ट में कबूल करना है कि यह खून तुमने ही किया है। तुम्हें कुछ सालों की सजा होगी मुन्ना, लेकिन 2-3 साल के बाद हम लोग कुछ ना कुछ करके तुम्हें रिहा करा लेंगे। इन पैसों से तुम्हारी मां के कैंसर का इलाज हो जाएगा, उसके बाद तुम खुशी से रह सकते हो। जरा सोच कर देखो बेटा। मान जा बेटा, वो सही कह रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी बात मान लो। सुनिए,
हमें लगा कि आप हमारे बेटे को बचाने आए हैं, इसलिए आपको सब कुछ बता दिया और आप तो बिना कुछ कहे ऐसे ही जा रहे हैं। कोर्ट में आपके बेटे ने खुद अपना अपराध माना है, उसे दुनिया की कोई कोर्ट बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे मेरा बेटा नहीं मिलेगा। तुम्हें दुख है कि तुम्हारा बेटा मर जाएगा और मुझे दुख है कि मैंने न्याय को मार डाला। सुनिए, रुकिए, मेरे बेटे का क्या होगा? तो सच का पता चल गया आपको? मैंने सोचा था जब तुझे पता चलेगा कि मैं सच जान गया हूँ तो तू हार्ट अटैक से मर जाएगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? उसी ने दिया है, उसी ने इतनी हिम्मत दी है कि 10 करोड़ दोगे तुम वो लेकर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहना चाहते हो कि पैसे लेकर के मैं सलाखों के पीछे चला जाऊं? जेल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? तुम जानते हो तुम्हारे खिलाफ लड़ने वाला लॉयर पीपी कौन है? तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारी सोच को हरा देगा वो। तुम्हारे फेवर की सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ कर सकता है वो। कोर्ट में जाकर एविडेंस को टेम्पर करना मुमकिन नहीं है। किसने कहा टेम्पर करो? लॉकर में बंद करके छुपाए रखो। अब मुझे क्या करना होगा? मेरे लिए 3 छोटे छोटे काम करो, काफी है। कैसा काम? सील किया हुआ घर तुम्हारे अंदर में है ना? हाँ है। तो मेरे बेडरूम में जो विंडो है उसे खुलवा दो और उसके बाद उसे फिर से लगवा दो। ऐसा क्यों करूं मैं? कर सकते हो क्या? दूसरा काम बताओ। जिस दिन मेरी वाइफ का मर्डर हुआ था, मेरी कॉलोनी में एक कारपेंटर 7 बजे या 7:30 बजे चला गया। उसकी एंट्री सीसीटीवी फुटेज में रहने दो, लेकिन एग्जिट को डिलीट कर दो। उसका इस केस से क्या संबंध है? कोर्ट में जब पीपी ये केस लड़ रहा होगा तब समझ जाओगे। सर, तीसरा काम बताइए। तीसरा, जब मुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा तब जज मुझे जुडिशियल रिमांड पर भेजेगा। इंटरोगेशन के वक्त पीपी के साथ वहां तुम भी रहना। उधर पीपी क्यों आएगा? तुम्हारा लॉयर आएगा ना? मैं लॉयर अपॉइंट नहीं करूंगा, पीपी ही मेरा लॉयर होगा। पीपी को मेरे पास से मेरी सास के पास ले जाओ और मेरी लव स्टोरी मेरी सास से पीपी को सुनवाओ। सुनाया तो? पीपी मेरी तरफ से केस लड़ेगा और मुझे बाहर ले आएगा। पीपी तुम्हारा केस लड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है? मेरी फिल्म्स देखते हो? या, इनफैक्ट आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स। आपका स्क्रीन प्ले बहुत पेचीदा होता है। है ना? ये भी ऐसे ही है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैंने जो कहा वो करो। दस करोड़ दोगे ना? इसमें कोई डाउट है क्या? देखो, काम इतने छोटे हैं कि डाउट हो रहा है। सर, इससे पहले आपने जितने केसेस लिए हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मेरा सर काट देंगे, रोज यही डर रहता है सर। पर उससे मिलने के बाद मेरा यह डर गायब हो गया बिल्कुल। सर, मैंने किसी भी एविडेंस को टेम्पर नहीं किया है, उसके कहे अनुसार सिर्फ 3 छोटे छोटे काम किए हैं। उनकी लव स्टोरी के बारे में उनकी सास को कहलवाइए सोचकर मैं पागल हो गया था सर। लेकिन जब उसकी लव स्टोरी में मुन्ना नाम के आदमी का नाम मैंने सुना तो उसका प्लान समझ गया था मैं।
सिद्धार्थ को पता था कि आप मुन्ना के बारे में सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे और अंजलि के मर्डर स्पॉट तक पहुंच जाएंगे। सब कुछ वैसा ही हुआ सर, इसीलिए आपके आने से पहले ही मैंने उस विंडो को वापस वहीं फिट कर दिया था। कॉलोनी के सीसीटीवी का फुटेज देखकर आप तय करेंगे कि मुन्ना ही खूनी है, क्योंकि उसकी एंट्री तो है मगर उसकी एग्जिट नहीं है, क्योंकि उसके वहां से एग्जिट होने का वीडियो फुटेज मैंने अपने हाथों से डिलीट किया था। और आपने ये सारे के सारे एविडेंस कोर्ट में पेश करके ये साबित किया कि सिद्धार्थ पूरी तरह से निर्दोष है और उसका इस खून से कोई भी संबंध नहीं है। सिर्फ एक ही डर था कि अगर मुन्ना ने कोर्ट में अपना मुंह खोल दिया तो दुनिया को सच का पता चल जाएगा, इसलिए हमने उसका एनकाउंटर प्लान किया। मुन्ना आपसे सच कहे इससे पहले सिद्धार्थ ने उसे बेहोश कर दिया था, उसके बाद हॉस्पिटल में उसने उसे भी खरीद लिया। पैसा सर, ये डायरेक्टर इतना चालाक है कि उसने अपनी तरफ से कोई भी लॉयर अपॉइंट नहीं किया और आपका इस्तेमाल करके वो बाहर आ गया। क्रिमिनल कितना भी चालाक हो, कहीं ना कहीं उसे चूक होती जरूर है, लेकिन वो इतना चालाक है कि उसने कहीं भी अपने खिलाफ कोई एविडेंस नहीं छोड़ा है सर। गलती करने वाले को सजा दिलाने वाले आप जैसे महान लॉयर से भी उसने गलती करवा दी। अब बताइए सर, मैंने तो मामूली गलतियां की थी, लेकिन आपने जो किया वो मामूली गलती नहीं है। एक बेगुनाह को आपने फांसी पर चढ़वा दिया। इस पूरे मामले में आप बहुत बड़े बेवकूफ बन गए। अगर ये बात मैंने लोगों को बताई तो उनकी नजरों में आप क्या हो जाएंगे सोचिए। इसलिए आराम से ऑफिस जाइए और कॉफी पीजिए, सोचना छोड़ दीजिए। इसमें भी मुझे एक डाउट है, अपनी वाइफ से इतना प्यार करने वाला उसे क्यों मारेगा? ये बात तो मैंने भी उससे नहीं पूछी और उसने बताया भी नहीं। अब ये सारी बातें आप जानकर करेंगे क्या? ये तो डमी है सर, ओजी लोडेड गन विद साइलेंसर इधर है। आर्टिस्ट ये गन यूज करेगा। ओके सर। मिस फायर होकर दीवार पर लगेगी, उस वक्त तुम ये इस्तेमाल करना, ऑथेंटिक लगेगा। ओके। सीन के बारे में शाम को डिस्कस करेंगे। श्योर सर। अब जाओ। hey, बोल रहा हूँ शाम को डिस्कस करते हैं, जाओ। डीसीपी से मिलने गए थे, एक केस हारकर आप इतने दुखी हो गए जैसे जिंदगी हार गए। हाँ, आपने मुझे इस केस से बचाकर मुझे नई जिंदगी दी है। गिफ्ट दी तो आपने वापस लौटा दी। अब आप ही बता दीजिए सर, कितना चाहिए, मैं अरेंज कर दूंगा। अब आपके पास अपने प्रिंसिपल्स को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब एक गुनहगार मजिस्ट्रेट के सामने अपना गुनाह कबूल करता है तो किसी में कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं, और यह कोई नया कानून नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन है, जब तक मैं जाकर अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता तब तक मुन्ना बाहर नहीं आ सकता, और ये कभी नहीं होगा। आप इस मैटर को यहीं छोड़ दें, बेटर होगा सर। हाय सिद्धार्थ। हाय सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये कौन है, नया आर्टिस्ट है क्या? हॉलीवुड स्टार जैसा लग रहा है। इसको लेकर हम किलबिल जैसी कमर्शियल फिल्म हॉलीवुड में बना सकते हैं। इज ही इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? नहीं सर, ही इज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर लॉयर। अंजलि केस में मुझे क्लीन चिट दिलवाने वाले यही हैं। बाय द वे, आई एम गोगो। सिड को हॉलीवुड में इंट्रोड्यूस कराने वाला मैं ही हूँ। इसके साथ एक फिल्म बनाने के लिए मैं इंडिया आया हूँ। अंजलि के मर्डर के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अंजलि मेरी बेटी जैसी थी और सिद्धार्थ की बीवी थी, लेकिन ये सब क्या है? अंजलि की जान लेने वाले को या तो मैं सजा दे सकता हूँ या फिर सिद्धार्थ। सजा देने वाला कोर्ट कौन होता है?
आप मारेंगे तो क्रिमिनल बन जाएंगे। अगर मैं क्रिमिनल बन भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? आप जैसे लॉयर को पैसे देकर मैं रिहा होकर बाहर आ जाऊंगा। क्रिमिनल देखेगा तो उसे मार डालोगे? पूछते हो कि मार डालूंगा? सिर्फ ये बताओ कि वो कहां पर है, अभी उसे उड़ाता हूं। क्रिमिनल सामने ही खड़ा है, उसे मार क्यों नहीं देते? अब तक तूने न्याय को जीतने वाले क्रिमिनल लॉयर को ही देखा है, लेकिन इस पल से ही 360 डिग्री तुझे सिर्फ मौत से मिलाने वाला खूंखार क्रिमिनल ही दिखने वाला है। अब तक मैं सिर्फ लाइफ गेम ही खेलता था, अब मैं तेरा डेथ गेम खेलने वाला हूं। तुझे आज ही जहन्नुम की सैर करवाऊंगा और तू खुद अपना गुनाह कबूल करेगा। इस खेल की शुरुआत तूने की थी ना, देखना इसे खत्म मैं करूंगा। मैंने सोचा था इसके साथ किल बिल फिल्म बनाऊंगा, पर इसने तो मुझे किलिंग सीन में ही घुसेड़ दिया है। आपको क्या समझ में आया? अंजलि को तुमने मारा, फिर किसी और को फंसा कर तुम बाहर आ गए, ये समझ गया हूं मैं। अब क्या करोगे? यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है पुलिस स्टेशन में जाकर बताने के लिए सोच रहा हूँ। मर गया। मार दो इसे। ब्रेकअप रेडी करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो गया सर? तुम्हें तो हॉस्पिटल में आईसीयू में होना चाहिए था, तुम घर में क्या कर रहे हो? आईसीयू में? वो किस लिए? हेलो, बॉडी में बुलेट होने से सेप्टिक हो सकता है, मजाक मत समझो इसे। हॉस्पिटल, शरीर, बुलेट, ये सब क्या है सर? वही तो कह रहा हूँ, उस लॉयर ने आकर सिद्धार्थ पर गोली चलाई थी ना, बुलेट इसी कंधे पर लगी थी। सर, हमारे डायरेक्टर को उन्होंने बचाया था, फिर उन्हें गोली क्यों मारेंगे सर? पूछता है कि वो गोली क्यों चलाएंगे। देख देख, इधर देख, यहाँ कहाँ है सर? नहीं है ना। उस लॉयर ने मुझसे गोली चलवाई थी सर। पहले आपको हाईवे पर सरदार जी दिखाई दिए थे और अब गन्स और बुलेट की बात कर रहे हैं। जेट लैग की वजह से हो रहा है सर। ये जेट लैग है क्या? हाँ सर। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, लगता है मैंने फिर से कोई सपना देखा। एब्सोल्युटली सपना ही था सर। आप तैयार हो जाइए, मैं कार भिजवाता हूँ, लोकेशन पे चलना है। मैं जाना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरा गाल क्यों दर्द कर रहा है? उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बुलेट लगी है। गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? है? अरे छोड़ो भी, जो होगा देखा जाएगा। सांस नहीं ले पा रहा? कहा था ना, मैं तुझे 360 डिग्री मौत दिखाऊंगा, इसीलिए उस डीसीपी ने यहाँ सिक्योरिटी लगवाई है ना। सिर्फ तेरे घर में काम करने वाले आदमी ही नहीं, बल्कि यहाँ के सिक्योरिटी के आदमी भी मेरे हैं।
खिड़की खोलकर अंदर आने वाली बात से उस दिन तुमने मुझे डाइवर्ट किया था और अब तुमने मुझे अंदर आने का रास्ता दिखा दिया। उस दिन तुमने घर से मुन्ना का सिर्फ एग्जिट डिलीट किया था, लेकिन उस डीसीपी की तरह मैं अपनी एंट्री एग्जिट दोनों सीसीटीवी से डिलीट कर पाऊंगा। तूने कानून को धोखा दिया है, अब मैं तुझे जहन्नुम की सैर करवाऊंगा। एक हार्डकोर क्रिमिनल से खेल खेलना कैसा लगता है आप पता चला? एंजॉय द गेम। अब इसे क्या हुआ? मिडनाइट में बम्पिंग जंपिंग क्यों कर रहा है? ड्रिंक करके हैंगओवर में रहने वाले इस फैन से हैंग क्यों कर रहे हो? तुम नखरे बहुत करते हो। तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे नाटक समझ नहीं पाऊंगा? ये सब क्या है? दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? सुन रहे हो, वो लॉयर ही होगा, कोई मामूली इंसान नहीं है वो। उसे भी टाइम का सेंस नहीं है, जब जी में आया टपक पड़ा। दरवाजा खोलिए। अरे खोल रहा हूँ ना, भौंक क्यों रहे हो? सर है क्या अंदर? तुम लोग यहाँ पर? सर ने हमें बुलाया है। अरे मैंने सोचा था कि वो दाढ़ी मूछ वाला लॉयर यहाँ पर आएगा, तुम्हें किसने बुलाया? ठीक है सर, बेडरूम में झूला झूल जाओ। अरे पानी लेकर आ, जल्दी जाओ। आप ये क्या कर रहे थे सर? आप इतने मशहूर डायरेक्टर हैं फिर भी आत्महत्या कर रहे थे? अरे वाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो। ऐसा लगा कि ये सच में फांसी लगा रहा था और तुम सब लोग इसे यहाँ बचाने आए हो। कमाल की एक्टिंग है, पर सारे के सारे ब्रेनलेस हैं, सिर्फ सिक्स पैक बनाकर एक्टिंग करते हैं। ये क्या सूझी थी तुम्हें? झापड़ मारा? सपना नहीं है, सच में मारा इसने। क्यों मारा तुमने ये मुझे? सपना नहीं, हकीकत है। हकीकत है? ठीक है भाई, मान लेता हूँ, मानता हूँ तुमने मुझे मारा, पर तुम्हें फांसी लगाने की क्या जरूरत थी? तुम पागल हो गए थे क्या? तुम एक मशहूर डायरेक्टर हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। अंजलि के लिए। हाँ? मैं क्या कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद से बचने के लिए मैंने सिक्योरिटी लगाई है। सॉरी सिद्धू, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, कन्फ्यूजन में मैंने तुम्हें कुछ भी बोल दिया। आप जाकर सो जाइए सर। हाँ सो जाता हूँ, सोने ही तो जा रहा हूँ मैं। सच क्या है और सपना क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलता हूँ सो जाता हूँ। सिर्फ तेरे घर में काम करने वाले आदमी ही नहीं, बल्कि यहाँ की सिक्योरिटी के आदमी भी मेरे हैं। लोकेशन पर आर्टिस्ट के अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए। ओके सर। बाहर का कोई अलाउ मत करना। ठीक है सर। शूटिंग किधर है सर? वही लोकेशन में जानी चाहिए। भैया पी लीजिए। hey, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया भैया, कम से कम। ये क्या भैया, भैया कौन तुम्हारा भैया है? क्या मिलाया तुमने इसमें? अपने लिमिट में रहो तुम। hey, कौन हो तुम? सर मैं आपके ड्राइवर राम का साला हूँ सर, उनका रात को एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने जानबूझकर उनको टक्कर मार दी, उन्होंने मुझे भेजा है अपनी जगह। चाबी मुझे दो। गाड़ी अच्छी चलाता हूँ सर मैं। hey, चाबी मुझे दो। सर मैं चलाऊंगा ना। तुम्हें समझ में नहीं आता, चाबी मुझे दो जी। तुम पीछे वाली कार में आओ, आप लोग भी फॉलो कीजिए। सर ने इतना सडनली ब्रेक क्यों मारा? सर आज इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? आप लोगों को धमकी देने के लिए विलन के आदमी खेत में घुसते हैं। जैसे वो घुसे आप गन को उनकी तरफ एम करना। okay, समझ गए ना? एग्रेसिव रहना, मेरी बात ध्यान रखना, एग्रेसिव ही रहना। हो जाएगा सर। ओके ना? हाँ, हाँ। ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है ना सर? कौन है बेतू? आर्टिस्ट की तरफ एम के लिए कहा था, मेरी तरफ क्यों कर रहा था? कौन है बेतू? सर सर ये अपना आर्टिस्ट है सर, दो तीन फिल्मों में काम किया है सर। इसे निकाल कर किसी और को ले लो। लेकिन सर अभी क्या, अभी पैक अप। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अगर तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है तो तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं?
तुमने इसमें जहर मिलाया क्या? मैं जहर क्यों मिलाऊंगी भैया? अगर तुमने कोई गड़बड़ नहीं की तो मुझे देखकर डर क्यों रही हो तुम? ऐसा बर्ताव कर रहे हो? जूस में क्या है पता नहीं, खाने में कौन सा जहर मिलाया है पता नहीं, तुम्हारे ड्राइवर को मेरा ड्राइवर समझते हो, सेट पर आर्टिस्ट को मारते हो, घर पर कामवाली को डांटते हो। तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो अपने आप पर शक करने लगो। कैसे थे तुम और कैसे बन गए? चलो जल्दी ही मिलते हैं। गुड नाइट। सॉरी, अब से सिर्फ बैड नाइट्स ही होंगी। सर, मैं आपके साथ एज ए कोऑर्डिनेटर कितने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बार आपको ऐसा देख रहा हूँ। आज आपके पैकअप करने से प्रोड्यूसर को 75 लाख का नुकसान हुआ है सर। आपकी वजह से तेनाली रायडू सर को बहुत ज्यादा बुरा लगा है सर। उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है सर। लोकेशन पर सिर्फ आरटीसी नहीं बल्कि पूरे डायरेक्शन डिपार्टमेंट को भी डर लगने लगा है। वो सब आपको छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। मेरी बात को जाने दीजिए सर। जिस काम वाली को आप अपनी बहन मानते हैं, आज आप उसे डांट रहे थे। मैं आपका वेल विशर हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सर, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। मैं साथ हूं। उधर से कार उड़ते हुए आकर ट्रांसफार्मर से टकराना चाहिए। ओके सर। जब मलबा लोगों पर गिरेगा तो लोग भागने लगेंगे। ओके सर। ओके ओके। लेकिन नीचे खड़े लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। श्योर सर। तुम्हारा नाम क्या है? स्पंदना सर। आओ, वेरी गुड स्पंदना, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। तुम बॉलीवुड में कब तक रहोगी? तुम मेरे साथ हॉलीवुड चलो। हाँ, वहां मेरा एक शानदार गेस्ट हाउस है, जबरदस्त सी व्यू है। वहां पर हम फिशिंग भी कर सकते हैं। यू लव फिशिंग? ओह, यू लव फिशिंग, फैंटास्टिक। हाय सिद्धार्थ। ये क्या, जिसे गुस्से में गर्म होना चाहिए वो फ्रिज के आइस क्यूब्स की तरह ठंडा है? तुम जाकर शॉट रेडी कराओ। कम ऑन गाइस, कम ऑन। एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हो, पर सीक्वेंस डिजाइन करने वाले तुम नहीं हो, मैं हूं। तुम्हारे बताए हुए डायरेक्शन में जाने वाली कार मेरे बताए हुए डायरेक्शन से सीधा तुम पर आकर गिरे तो यहां खड़ी हुई पब्लिक ही नहीं, पूरे शहर की पब्लिक हैरान हो जाएगी। इसे कहते हैं शॉर्ट इंपैक्ट। कैसी लगी मेरी ये प्लानिंग और प्लॉटिंग? अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक, सच कबूल कर लो। 2, पैकअप करके यहां से निकल लो। और 3, मौत से बिना डरे एक्शन करो। मेरे शॉट के लिए मैं रेडी हूं, अपने शॉट के लिए तुम हो क्या? ऑल द बेस्ट। सर 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 सर, आप जिस तरह से मुझे देख रहे हैं उससे पता चलता है कि आप मुझे नहीं जानते। वैसे आपसे एक बात कहूं सर, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पर हमारी केमिस्ट्री कमाल की थी। आप ऐसे देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं सर, मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूं सर। अब इसमें क्या कर सकता हूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। मैं जब फर्स्ट टाइम इंडिया आया था तो भीख मांगने की नौबत आ गई थी, और फिर जब मैं सेकेंड टाइम इंडिया आया फिर किल बिल जैसा किलिंग सीन क्रिएट हो गया। उस फिल्म में डायरेक्टर ने अपनी पत्नी को मारा था ना? हाँ? न्याय के साथ अन्याय किया। उसी इमोशंस के साथ मैं घर आया था, और मेरे इमोशंस को समझे बिना तुम्हारा ओवर एक्टिंग करना, फिर तुम्हारे हाथों उस पर गोली चलाना, ऐसे ही हुई थी ना हमारी मुलाकात? हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। तुमने उस पर गोली चलाई, ये सच है, और मैंने फांसी का फंदा डाला, ये भी सच है, और अब मैं उसे मारने जा रहा हूँ, ये भी सच है। क्या आप उसे अभी
मारने जा रहे हैं? हाँ। मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, तुम इंडिया में कहीं मत रहना। हाँ। निकल जाओ। बाप रे, मेरे वीजा का टाइम खत्म हो गया, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा मुझे। ओके, गोइंग फॉर टेक। ओके मास्टर। सर, शॉट रेडी, टेक करें क्या? सर, शॉट रेडी है, टेक करें क्या? या। क्यों रे, टेक के लिए तैयार है ना? यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? मुड़ कर देख, तेरे पीछे मैं मौत बनकर खड़ा हूँ। अब तो पैकअप कहकर यहाँ से भाग ले, वरना आत्मा बनकर भटकता रहेगा। टेक मास्टर। ओके सर, रेडी टेक। एक्शन। डॉक्टर सॉरी, उनकी लाइफ को तो कोई खतरा नहीं है, देखना बोलना ये सब तो वो कर पाएंगे, लेकिन गहरी चोट लगने की वजह से उनका स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो गया है, अब वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। वो होश में आ गए? हाँ आ गए, उन्हें कमरे में शिफ्ट किया है, आप अकेले जाकर बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नवीन, मेरी रिपोर्ट्स मेरे रूम में भिजवा दीजिए। ठीक है सर। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तब से कह रहा था कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इस मैटर को यहीं खत्म कर दो। तुमसे सच उगलवाऊंगा और तुम्हें मौत से मिलवाऊंगा, ऐसा कहा था आपने। आप ही मौत के मुंह में जाकर बाल बाल बचे हैं। इस उम्र में शतरंज और रमी खेलने के बजाय ये डेथ केस लेना जरूरी था क्या? इसलिए जिस केस को आपने शुरू किया मैंने खत्म कर दिया। सच कहूं तो आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैंने ही आप पर हमला करवाया था। आपने अब तक अपनी लाइफ बिना किसी सहारे के जी, लेकिन अब व्हीलचेयर आपका सहारा होगी। नाउ द गेम इज फिनिश्ड। सर, लाइफ में आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं, ये कभी मत भूलना। विश यू हैप्पी एंड स्पीडी रिकवरी। डॉक्टर साहब बीपी चेक करेंगे। क्यों सर? परसों सुबह तुम्हें फांसी की सजा दी जा रही है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। एक बार मुझे डायरेक्टर सिद्धार्थ से बात करनी थी। खूनी को फांसी की सजा मिलने में अब सिर्फ 13 घंटे ही बचे हैं। आपको बता दें, मुन्ना ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करते हुए बताया है कि वो एक बार डायरेक्टर सिद्धार्थ से मिलना चाहता है। मुन्ना की आखिरी ख्वाहिश डायरेक्टर सिद्धार्थ तक पहुंच चुकी है, अब देखना ये है कि वो करते क्या है। मुन्ना को फांसी मिलने से पहले सिद्धार्थ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या मुन्ना सिद्धार्थ से मिल पाएगा?
इस अपराध के लिए मुन्ना माफी मांगेगा या नहीं? अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मुन्ना सिद्धार्थ से मिलकर क्या बात करना चाहता है? ये क्या है, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल दी? पूछना तो नहीं चाहिए, पर माँ का दिल है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। क्या मेरा बेटा वापस नहीं आएगा? वो नहीं बचेगा। तुम जाओ। क्यों सर, आप मुझे सरप्राइज देने आए क्या? लगता आप रास्ता भूल गए। और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। न्याय को बचाने के लिए ये मेरी आखिरी कोशिश है। तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेक कर चुका हूं। पता चला तुमने कई परिवारों की जिंदगी सवारी है। वैसे तो तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की यह भी मुझे नहीं जानना। मेरी तुमसे एक ही विनती है, जो सच है उसे कबूल कर लो, न्याय को बचा लो, और वही न्याय तुम्हें बचाएगा। ऐसा करने से तुम भी जान बचाने वालों में से एक हो जाओगे, एक मां की उम्मीद पर खरे उतरोगे। अपने आप को बचाने के लिए तुमने एक बेगुनाह को इस केस में फंसा दिया है। लोग पैसों के लालच में किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, पर तुम तो खुशी खुशी एक बेगुनाह की जिंदगी हड़प कर गए। तुम सबका भला चाहते हो और यह तुम्हें गलत नहीं लगता, इसलिए अपने अपराध को कबूल कर लो और न्याय को बचा लो। हो सकता है तुम्हारी सजा कम हो जाए। मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने एक बेगुनाह को फंसाया, इसीलिए तुमसे ऐसा बर्ताव किया। आई एम सॉरी। लास्ट एंड फाइनल टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार इंसानियत की नजरों से देखो सिद्धार्थ, प्लीज। शेर की तरह गरजने वाले आप ऐसे सरेंडर कर देंगे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी हालत में भी आप न्याय की तरफ खड़े हैं, इसीलिए मैं आपको पसंद करता हूं सर। अभी आपने कहा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, उतना ही काफी है सर, आप मुझे समझ गए। लेकिन उस दिन अंजलि ने मुझे बिना समझे ही सरेंडर करने को कहा। सरेंडर? ऐसा क्यों? सिद्धार्थ एक फिल्म डायरेक्टर है जिसे फेलियर की चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। ये वो इंसान है जो अकेले अपने दम पर तेलुगु इंडस्ट्री को चला सकता है। इतनी छोटी उम्र में ही तेलुगु फिल्म्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाने वाले फिल्म मेकर है सिद्धार्थ। क्या बात है, खुद ही तालियां बजा रही हो? कुछ नहीं, मतलब स्टेज पर हुई मेरी तारीफ याद करते हुए तुम तालियां बजा रही हो ना? आपने इतना सही गेस कैसे किया? I'm a director, baby. नहीं, आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। अगर कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, दोनों राज्यों के पुलिस मुझे पहचानती है, मेरा ऑटोग्राफ लेंगे और मुझे छोड़ देंगे। वैसे भी मैं रोज ज्यादा नहीं पीता, तुम्हें पता है। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए थोड़ी ज्यादा पी ली। अंजलि, तुम्हें एक बात पता है, जो किक सक्सेस से मिलती है उसके सामने ये शराब नथिंग। हे सिद्धार्थ, मैं आपसे एक बात कहना ही भूल गई। मैंने आपको बताया था ना, मुन्ना नाम का एक आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। हाल ही में मैंने उसे अपने पड़ोसी हरिनारायण के घर पर कारपेंटर का काम करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से बदल गया है। क्या समझते हो अपने आप को? सॉरी भाई, रोड को अपना घर समझता है क्या? मैं अगर मर जाता तो क्या करता? बोलना, बोल।
मेरे परिवार की क्या हालत है पता है तुझे? जब कार में लड़की साथ होती है तो चर्बी ज्यादा ही बढ़ जाती है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए सर, अगर आपको पता चलेगा कि ये कौन है तो। ये कोई भी हो मुझे क्या? ये कोई भी नहीं है, ये फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ है। सॉरी सर, गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। आपकी फिल्में मैं देखता हूँ सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो भी हुआ उसे दिल में मत रखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। बहन आप भी मुझे माफ कर दो। सिद्धार्थ लेट्स गो, चलो। शंकरपल्ली रोड पर हुई दुर्घटना ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। रविवार रात को धर्मराव नाम का एक किसान अपनी फसल बेचकर उससे कमाए पैसे लेकर घर लौट रहा था कि एक अज्ञात गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। अपने पति के द्वारा लिए गए कर्ज को कैसे चुकाऊं और दो बच्चों को कैसे पालूं? इस दुविधा में उसकी पत्नी ने अपने साथ साथ अपने दो बच्चों को भी जहर पिला दिया। इस हादसे के बाद जहां माँ और उसकी बड़ी बेटी की मौत हो गई है, वहीं छोटी बेटी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। मृत शरीर को दो दिन तक हॉस्पिटल में रखने के कारण कोमा में बेहोश उस छोटी बच्ची को कोर्ट की परमिशन से एक मिनट के लिए होश में लाकर अपने परिवार के सदस्यों को दिखा पाए, इसके लिए सारे डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस हालत में अपने माँ बाप के मृत शरीर को देख कर उस बच्ची पर क्या गुजरेगी? से बिना बताए तुम कहां जा रही थी अंजलि? चलो अंदर चलो। ऐसे मुझे मत देखो अंजलि, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पुलिस स्टेशन जा रही थी ना कंप्लेन लिखवाने, जरा धीरज रखो तुम, बहुत थक गई हो तुम अंजलि, ये लो खा लो। अंजलि खाओ प्लीज। तुम चाहती हो कि मैं सरेंडर कर दूं, इसलिए तुम खुद को दो दिन से कमरे में बंद करके बैठी हुई और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। मैं क्रिमिनल नहीं हूं अंजलि, मैं क्रिएटर हूं। मुझे अभी तक किसी ने कभी डांटा नहीं है। मैंने अपने हार्डवर्क से ये पोजीशन हासिल की है, सोसाइटी में नाम और इज्जत कमाई है मैंने। मैंने उस किसान पर गलती से सिगरेट फेंक दी थी और उसने मुझ पर हाथ उठाया। आज तक मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। गुस्से में मैंने क्या किया ये मुझे भी ढंग से नहीं पता।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब मैंने टीवी पे वो सब कुछ देखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे गुस्से की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। तुम्ही कहो अंजलि, हमारी शादी को 3 साल हो गए, कोई गलत काम किया? ऐसा कोई काम किया जो तुम्हें पसंद नहीं था? तो फिर इस गलती के लिए तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? बोलो ना अंजलि, माफ क्यों नहीं कर देती? तुमने कोई मामूली गलती नहीं की है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं। सिद्धार्थ, तुमने एक इंसान की जान ली है, एक परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हारी वजह से एक छोटी सी बच्ची अनाथ हो गई। एक काम करते हैं अंजलि, उस बच्ची को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारा कोई बच्चा नहीं है, वही हमारी बेटी होगी। मेरी कमाई उसी की होगी और हम उसे इतना प्यार देंगे कि उसे कभी भी अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी। ठीक है ना? तुम्हारी गलती इतनी छोटी नहीं है जिसे तुम ठीक कर सको। सिद्धार्थ, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके लिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि मेरे जेल जाने से तुम्हें खुशी होगी? मैं खुश तो नहीं रह सकती सिद्धार्थ, पर अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और उस बच्चे की जिंदगी? मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी सिद्धार्थ। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। चलो पुलिस के पास चलकर खुद का सरेंडर कर दो। ऐसे क्या देख रही हो? प्यार से तुम्हें समझ में नहीं आता? अपने पति को जेल भेजकर शायद तुम्हें खुशी होगी, लेकिन मेरी इमेज पर जरा भी धब्बा लगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा है? आखिर तुम हो क्या? मेरी इमेज मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। एक ऐसा वक्त था जब तुम मुझे भगवान लगते थे, लेकिन अब तो तुम मुझे एक इंसान भी नजर नहीं आ रहे। इरा सिद्धार्थ 2 दिन पहले ही मर चुका था। एक क्रिमिनल के साथ जिंदगी बिताने की बात से ही मुझे डर लग रहा था। अब तुमने मेरा सारा डर दूर कर दिया। थैंक यू। उस दिन मैंने गुस्से में किसान को मार डाला, उसके बाद अपनी इमेज को बचाने के लिए अंजलि को मार डाला, उसी इमेज के लिए अपनी गलती को कभी सुधार नहीं पाया और इतनी दूर चला आया, और अभी भी उस इमेज को बचाने के लिए उस मुन्ना से मिलने जा रहा हूं। सर, इस इमेज कॉम्प्लेक्स को आप बीमारी समझिए या कोई डिसऑर्डर समझिए, ये आपकी मर्जी है। मैं अभी भी अपना गुनाह कबूल नहीं करूंगा। ये राज हम दोनों के बीच ही रह जाएगा तो अच्छा है। मुझे जाना होगा सर। Thank you.
खबर हमारे करेस्पोंडेंट्स बता रहे हैं जो अभी जेल पहुंचे। जानवी, ये बताइए इस वक्त सेंट्रल जेल के हालात कैसे हैं? मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ की पत्नी के हत्याकांड में फैसला होने के बाद खूनी मुन्ना की फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सिद्धार्थ अब कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। सिद्धार्थ को देखने के लिए यहाँ काफी भीड़ जमा है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे महान डायरेक्टर के साथ ऐसा होगा। उसके साथ ये जो बुरा हादसा हुआ है। क्या कहा तुमने? कैसी बातें कर रही हो? तुम उस डायरेक्टर को महान कह रही हो? तुम्हें पता भी है सच क्या है? पर आप हैं कौन? मैं उधर अंदर जिसे फांसी होने वाली है ना, उस मुन्ना की माँ हूँ मैं। तुम उस डायरेक्टर के बारे में क्या जानती हो जो उसे महान कह रही हो? जिसके पास पैसे होते हैं क्या वही सच्चा होता है? हम जैसे लोगों का सच भी झूठ हो जाता है। अंजलि की हत्या उसके पति ने ही की है, मेरे बेटे ने नहीं की। आप कैसे कह सकती हैं कि सिद्धार्थ नहीं अपनी पत्नी को मारा है? अरे उसी ने मारा है, मेरे बेटे ने उसे नहीं मारा। फांसी से पहले जब किसी से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो माँ बाप से मिलना चाहता है, लेकिन मेरा बेटा उस डायरेक्टर से मिलना चाहता है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सब लोग बेवकूफ हो गया। सर सर, आप तो जानते हैं कि मेरे बेटे ने खून नहीं किया है। आप जाइए यहाँ से, जाइए। इस औरत को यहाँ से भेजो, हटाओ इसे यहाँ से, उसे बचा लीजिए, लेके जाओ इसे। सर, मुन्ना की माँ का कहना है कि आपने ही अपनी पत्नी का खून किया है, आप पीछे हटिए। हाल ही में इस विषय में ग्रेट लॉयर वीरेंद्र ने कोर्ट में बताया कि अंजलि का खून किसने किया। बेटे को फांसी दिए जाने की वजह से शायद उसकी माँ कुछ भी कह रही है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को बढ़ाई चढ़ाए ना। मुन्ना आपसे क्यों मिलना चाहता है, इसकी वजह क्या आप हमें बता सकते हैं? उसकी माँ को कैंसर है, शायद वो इसके लिए मदद मांगना चाहता होगा। क्या आप मदद कर पाएंगे सर? 100% सर, मुन्ना आपसे पर्सनली बात करना चाहता है और वहां इंतजार कर रहा है। आप उससे बात कीजिए सर। तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे? उस दिन मैं अपनी माँ को बचाने के लिए आपका गुनाह मैंने अपने सर पर ले लिया। उसके बाद मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने आपसे लिए हुए पैसे सारे लौटा दिए। मैंने अपनी माँ के लिए जो त्याग दिया है वो अब किसी काम का नहीं रहा। अब मेरी माँ की जान बच जाए इसलिए आप उन्हें वो पैसे लौटा दीजिए सर, जो उन्होंने आपको लौटाया था। फांसी चढ़ने से पहले मुझे आपसे यही बात कहनी थी, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। पैसे तो काफी हैं सर, आप तो कोई भी गुनाह करके बच सकते हैं। नो, गलत करता है वो कभी बच नहीं सकता। क्या हुआ? मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारे मुंह से सच उगलवा कर रहूंगा। तुम्हारे घर में तुम्हें शूट करते वक्त ही मैंने गेम स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन तुम्हें घर पर फांसी से लटकाया तभी बेडरूम में कैमरा फिट किया था। एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर से तुमको झूठ कहलवाया, तुम्हें भरोसा दिलाया कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। फिर तुम्हारे घर में आकर तुम्हें सेंटिमेंटल कर दिया। तुमने सोच लिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना? फिर तुम्हारे मुंह से सच इस तरह उगलने लगा जैसे बारिश में नदियों में बाढ़ आती है। तुमने जो एक्सीडेंट करवाया था उसी से तुम्हारा आर्ट खत्म हो चुका था। मैंने जो भी फुटेज रिकॉर्ड की थी वो गवर्नर के सामने रख दी। इस फांसी को रद्द करने के लिए गवर्नर का दिया हुआ परसों का ऑर्डर है, और ये है हाई कोर्ट का इश्यू किया हुआ तुम्हारा अरेस्ट वारंट। कैसा लगा ये गेम? बहुत शातिर प्लान था सर। तुमसे भी ज्यादा क्या? अपनी इमेज बचाने के लिए तुमने क्राइम किया। न्याय के लिए लड़ने वाले क्रिमिनल लॉयर को क्राइम करके भी न्याय को बचाना तुम ही ने सिखाया। आपको लगता है इस गेम में आपकी जीत हुई है सर? क्या मतलब? आपने सिर्फ न्याय को बचाया है सर।
आप हमेशा एक बात कहते थे ना कि आप मुझे 360 डिग्रीज में मौत का सामना करवाते रहेंगे। मैंने ऐसी नौबत नहीं आने दी। उस मौत को मैं जेब में रखकर घूमता हूं सर। मेरे जीते जी मेरी इमेज को कोई डैमेज नहीं कर सकता। नो